अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव स्किल्स विद नूर। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन ब्रेड की, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है पानी, मैदा, ऑयल, नमक, ईस्ट, चीनी और दूध। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैदा लेंगे हम 2 कप, इसे अच्छे से छान लेंगे हम। चीनी डाली अब हमने, 1.5 टेबलस्पून चीनी का डाला है। अब हम ईस्ट डालेंगे 1.5 टेबलस्पून। नमक डालेंगे अब हम 1 टेबलस्पून। अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम ऑयल डालेंगे 4 टेबलस्पून। इसे मिक्स करेंगे। अब साथ ही इसमें दूध शामिल करेंगे 1/4 कप नीम गरम। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे और पानी हम नीम गर्म यूज़ करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आटा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मल हो आटा। ब्रेड के लिए हमारी डो रेडी है, तो इतना हमने इसको हार्ड रखना है। अगर इस फॉर्म पे हम इसको क्लिंग रैप लगा के भी रख सकते हैं, जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो अब हम इसको हॉट पॉट में डाल इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हॉट पॉट को हम ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। अच्छे से ऑयल लगा देंगे और हॉट पॉट आप कोशिश करें कि थोड़ा साइज़ में बड़ा लें, ताकि आटा अच्छे से राइज हो। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे डो के, और इसको 2 या 3 घंटे के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी डो राइज हो रही है, तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए हमें चाहिए मैदा, ऑयल, काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, क्रश्ड रेड चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियंस चॉप्ड, और चिकन पाउडर, दूध और चिकन बॉईल करके हमने श्रेड कर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। और उसके साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। और इसको भी फ्राई करेंगे। बस अनियन को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है इसको फ्राई। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे करेंगे। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, 2 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया था। तो अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदा डाल के थोड़ी देर इसको भूनेंगे ताकि मैदा का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैदा हमने 2 टेबलस्पून लिया है। अब इसे अच्छी तरह भून लेंगे।
बिल्कुल लाइट फ्लेम कर देनी है। अब हम दूध ऐड करेंगे इसमें। तो अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, क्रश्ड रेड चिली पाउडर और चिकन पाउडर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसको। अब हम चिकन ऐड करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लाइट ही रखनी है। अच्छे से मिक्स करके तो हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है तो डो को हम थोड़ा सा और भून कर रख देते हैं। इसे थोड़ा सा और भून कर और वैसे ही कवर करके रख देंगे। बस इसे कवर करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए और रख देंगे इसको। घंटे बाद हम देखते हैं क्या सिचुएशन है हमारी डो की, तो फिर हम जो है ना असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारी डो दोबारा राइज हो गई है। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्लावर जो है वो स्प्रेड करेंगे। तो डो को हमने स्प्रेड कर लेना है। तो अब हम जो है ब्रेड को हमने स्प्रेड कर लेना है। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालते हैं। अब हम साइड्स पे कट लगाएंगे इस तरह से। अब इस तरह एक एक जो है ना स्टेप को उठा के हम फोल्ड करते जाएंगे।
180 डिग्री पे हमने प्री हीट कर दिया था ओवन को, और उसके साथ ही हमने ये बेकिंग ट्रे में रख दी है फिशेज अपनी बना के। अब हम इसके ऊपर एग स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम 30 मिनट बेक करेंगे। मज़ेदार सी हमारी चिकन ब्रेड रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केचप के साथ इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।